डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ आईएसएस 2020 ऑल इंडिया रैंकिंग 41 अंकिता मंडल जी है। दीदी आपको हार्दिक स्वागत है डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में और आपको हार्दिक बधाई आईएसएस 2020 क्रैक करने के लिए। थैंक यू हृदय। आप हमें अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपकी स्कूलिंग कॉलेज के बारे में। तो मेरी स्कूलिंग बेसिकली क्लास 12 कलकत्ता पब्लिक स्कूल से हुई है जो कि बागोयतीम में है यहीं पर 2015 में। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है स्टैटिस्टिक्स में फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता 2018 में। और मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से 2020 में। और अभी मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर में पीएचडी कर रही हूँ। आपने आईएसएस की प्रिपरेशन कब से शुरू की? आईएसएस की प्रिपरेशन, देखो एक बात है कि आईएसएस की प्रिपरेशन तो बहुत लंबा होना चाहिए ना, तो मेरे तो मास्टर्स चल रही थी तो उसी के टाइम पे मैंने अपने प्रिपरेशन शुरू करी। लाइक फॉर स्टैट पेपर 1 पेपर 2 मैं जब अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान मेरा ये सब प्रिपरेशन चल रही थी। और वो पेपर 3 पेपर 4 ये सब जो पेपर्स था उसके लिए मैंने अपने मास्टर्स के बाद लाइक अराउंड जुलाई मैंने उस वक्त अपना मेन प्रिपरेशन स्टार्ट किया और देन अराउंड 3 मंथ्स आई कंटिन्यूड फॉर दैट। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा लगा आईएसएस में? डिफिकल्ट मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन पेपर्स में बहुत सारे लाइक पेपर 1 बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जो कि रिलेटेड टू स्टैट्स नहीं होते, लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट और कंप्यूटर पार्ट्स ये सब रिलेटेड नहीं होता, तो उसके लिए लाइक तो उस मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं उसमें इतना सा प्रॉपरली वर्कआउट ना कर सका, तो इसीलिए मुझे लगा पेपर 1 थोड़ा मैंने टफ है एज कम्पेयर टू द अदर पेपर्स। आपने मतलब जो पेपर 1 और पेपर 2 जो एमसीक्यू पार्ट्स है उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया और कौन कौन से मतलब आपने बुक रेफर किया था? देखो पेपर 1 और पेपर 2 में तो ज्यादातर स्टेट्स में ऐसा क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ये सब पार्ट होता है, तो मेरा तो मैंने जैसे बोला कि मैंने अपने मास्टर्स के दौरान प्रिपरेशन ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था तो उसको कंटिन्यू किया फिर से। तो मेरा जब 2018 में मेरा जब मास्टर्स के लिए मुझे जब एग्जाम्स देना पड़ा तो उसी दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लाइक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ा था और फिर आईएसआई के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करना पड़ा, फिर मैंने अपना नेट एग्जाम दिया तो उसके लिए वो भी मैंने किया है, तो वो सब अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो चल जाता है। फिर अपना जो बुक्स है जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं, तो आप बुक्स यानी आप फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं वो बहुत बेसिक्स होता है और उसके ऊपर से आप रोहतगी देख सकते हैं, मैंने वो रेफर किया था। फिर और आईएसएस स्पेसिफिकली उसके लिए बीके कपूर और एससी गुप्ता का बुक जो होता है फंडामेंटल्स शायद, तो वो बुक बहुत अच्छा है, तो वो मैं मतलब मैंने उतना ये बुक नहीं देखा, मेरे लिए रोहत की ये सभी ठीक था तो ऐसे ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया। एक सवाल हमारे पास आया था जो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस है उसके सॉल्व आंसर मिलना मुश्किल होता है, तो आप उसके लिए हमें कुछ रेफर कर सकते सॉल्व आंसर जहाँ पे मिल सके? देखिए मतलब मैंने तो ऐसे आंसर्स नहीं ढूंढा, मेरा जो था कि मुझे जब बीएससी और मेस्सी में पढ़ाया गया तो उसमें हम लोग बहुत सारे सल्यूशन मतलब एक्सरसाइजेस करते थे, उसी में हम लोग को जो कोचिंग वगैरह तब हम जो करते थे तो उसमें हम लोगों का वो एक्सरसाइज सल्यूशंस वो सब हो जाता, तो ऐसे कोई बुक्स तो मेरे पास नहीं है। फिर भी आप चाहे तो रोहतगी का बुक देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसा मतलब एग्जांपल्स होता है। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और जो कंप्यूटर है प्योरली थ्योरेटिकल पेपर में क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आपका अप्रोच क्या था? जैसे कि मैंने बताया मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने जो किया ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेसिफिकली कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा और जो कि करंट अफेयर्स में जो कि मतलब जो इंडेक्सेस जो वगैरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसा तो बहुत मतलब डेली मंथली ये सब निकलता है ना, तो वो सब आप देख सकते हैं, तो मैंने भी वही किया था। और हाँ मैंने इतना ही सब देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था और कंप्यूटर के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था तो मैंने क्या मैंने उसको स्किप कर दिया, बेसिकली आई फोकस्ड ऑन द स्टैट पार्ट एंड द न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट। पेपर 3 और पेपर 4 दोनों थ्योरेटिकल पेपर हैं, तो उनको लेके आपका अप्रोच क्या था? मेनली जो पेपर 3 में जो वाइट जो सैंपलिंग सर्वे है और जो इकोनोमेट्रिक जो पार्ट है। हाँ
सैंपल सर्वे के लिए हाँ, मैंने ये इसमें जो पेपर थ्री का तो बहुत लेंदी पेपर होता है, आप लोगों ने सिलेबस देखा ही है, तो उसके लिए मैंने जो किया था कि मैंने अपना नोट्स ये सब देखा था, और रिवीजन ये सब वगैरह के लिए मैंने मतलब मैंने खुद अपने नोट्स बनाया कि बीएससी एमएससी में मैंने जो भी पढ़ा इसमें, और जो भी मुझे नया जो सिलेबस में इंक्लूड करना था, मतलब मुझे जो चीज़ें नहीं पढ़ाया गया था हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैंने उसका नोट्स बनाया, तो उसी दौरान मेरा इसका रिविजन भी शुरू हो गया और मैंने नोट्स बनाते बनाते मेरा प्रैक्टिस भी हो गया, तो मैंने ऐसे ही किया। तो आप हमें बताइए कि आपका जो पेपर फोर था, सात ऑप्शन में से आपने कौन से दो सब्जेक्ट चूज किए थे एज ऑप्शनल? मेरे ऑप्शनल्स थे मल्टीवेरिएट और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो मतलब स्टूडेंट मल्टीवेरिएट या डिजाइन एज ए ऑप्शनल चूज करना चाहेंगे, उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, मल्टीवेरिएट के लिए मैं बोलूंगी कि पहले आप सिलेबस देखिए, उसका अच्छे से स्टडी कीजिए, क्या कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन से नहीं है, फर्स्ट वो देख लीजिए। और अपना यहाँ पर भी मैं बोलूँगी अपना खुद से नोट बनाइए, क्योंकि नोट बनाते बनाते आपका एक बार तो प्रैक्टिस हो जाएगा खुद का, और बाद में आप जब रिविजन करेंगे तो उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और बुक्स अगर बोले तो मैं बोलूँगी कि आप जॉनसन एंड विंसन बुक देख सकते हैं, और फिर आप मारिया केंट के एक बुक है वो भी देख सकते हैं, ये बुक बहुत हेल्पफुल है, मतलब उसमें बहुत अच्छे से डेरिवेशन है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा जो कि एग्जाम में आता है। टेट के चार पेपर के अलावा भी हमें और दो पेपर करना पड़ता है, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज, तो इन दोनों पेपर को लेकर आपका क्या अप्रोच था? जनरल इंग्लिश के लिए देखिए, मैं क्योंकि मेरा आईसीएसई बोर्ड था, तो मुझे जनरल इंग्लिश के लिए उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैंने जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। तो उसके लिए आपके मतलब न्यूज़पेपर देख सकते हैं, और देखिए जनरल स्टडीज़ में क्योंकि बहुत सारे उसमें भी अलग से पार्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री होता है, फिर पॉलिटी होता है, करंट अफेयर्स उसके अलावा होता है, तो आप मेरा जो अप्रोच था वो कि मैंने हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में देखा, तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स देख, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत देखा, और जनरल स्टडीज के लिए मतलब जो करंट अफेयर्स होता है उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर्स देखा। न्यूज़पेपर्स में वो हिंदू का जो एडिटोरियल होता है, तो उसमें एडिटोरियल अगर पढ़ लेते हैं आप तो बहुत आपको हेल्प होता है कि आप आंसर्स में भी उसको उसका जो मटेरियल्स होता है वो अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। और अगर मेरा मुझे पहले बहुत मतलब क्योंकि मेरा ये सब जनरल स्टडीज का इतना पहले से पढ़ाई नहीं था, तो मैंने क्या किया कि कुछ यूट्यूब में वीडियोस होते थे कि एडिटोरियल एनालिसिस ये सब का, तो मैंने एक चैनल उसमें फॉलो किया, तो उसी से मेरा मोस्ट ऑफ ऑल ये प्रिपरेशन हो गया था। आपने आईएसएस की मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ। तो आपका जो इंटरव्यू है उसका एक्सपीरियंस कैसा था, या आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, इंटरव्यू के लिए पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि देखिए इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि आपको एक बोर्ड अलॉट किया जाता है, तो उस बोर्ड में से बोर्ड में मेरे टाइम पे चार बोर्ड मेंबर्स थे उसमें, तो मैंने जब मेरा जब ये रिटर्न क्लियर हुआ था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इंटरव्यू कैसा होगा या क्या पूछे जाते हैं, तो मैंने फर्स्ट जो चीज़ की थी वो है ऑफिशियल स्टेप जो मेरे पहले छूट गई थी वो मैंने पहले कवर किया, तो हाँ ये सब मैंने किया। और इंटरव्यू बोर्ड के दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोग होता है कि नर्वस हो जाते हैं, तो मैंने मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि जो भी हो जाए बस अपना मतलब कूलनेस वहां पर लूज करना नहीं है, अगर आपको नहीं आता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप सिंपली बता सकते हैं कि सर आई डोंट नो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मतलब वहां पर आप अपना जो कूलनेस है वो मत मतलब कॉन्फिडेंस ये मत आप गवाइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स था। बाकी तो आप हाँ, आपका जो डैप होता है जो आप रिटर्न एग्जाम्स के निकलने के बाद एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरवाया जाता है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे लगभग, जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था कि मेरा नेट सीएसआईआर क्रैक हो गया, तो उसने उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग फॉर पीएचडी, सो ऐसे ही वो सब आपके डेप्स है वो लोग पूछते हैं, तो आपको फिर वो पूछ भी सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट क्या मतलब कौन से टॉपिक्स में है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे टाइम पे भी वैसा ही हुआ था। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके हॉबी,
लाइक आप जो भी लिखते हैं वहाँ पर हॉबी में, तो वो लोग उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, चाहे आप म्यूजिक से लिखे, म्यूजिक लिखे या आप कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या फिर स्पोर्ट्स से लिख सकते हैं, तो वो लोग आपको वहां से कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप ये हॉबीज वगैरह और देख के जाए, और आप दो टॉपिक या तीन टॉपिक जो आपको खूब बहुत सारे पसंद होता है, बहुत से पसंद है, तो वो आप देख के जाइए, क्योंकि वो वहां से पूछ सकते हैं आपको। अभी मेरे सब्सक्राइबर ने आपके लिए कुछ सवाल पूछे थे, तो हम आपसे वो सवाल पूछते हैं। आप बताइए कि जो कोचिंग है, मतलब बहुत लोग सवाल होता है कि कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ, ये मैंने बहुत जगह देखा है कि कोचिंग वगैरह इसके लिए होता है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैं तो कोलकाता में रहती हूँ, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स है भी नहीं, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी से भी हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकते हैं, अगर आप अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब के नोट्स अगर आप जॉट डाउन करके रखें, तो आप इसी को अच्छे से पढ़िए, तो उस, और हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप खुद अपने आपको जज करने के लिए आप टाइमर लगा के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, तो ये सब करके भी हो सकता है, जैसे मैंने किया, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू गेट टू अ कोचिंग सेंटर टू क्लियर दिस एग्जाम। तो एक सवाल आया था कि हमें टारगेटेड स्टडी, मतलब जैसे 1000 में मुझे 600 लाना है, मैं वैसा फोकस करके आपने कोई मतलब स्टडी किया है, या मतलब हमें 1000 के लिए जाना चाहिए? हाँ, मैंने पर्सनली ये किया था कि मुझे 1000 में, अगर देखिए आपको 1000 में रिटर्न जो एग्जाम है वो 1000 का होता है, 200 जो होता है वो इंटरव्यू का होता है, तो इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, लाइक उस दिन क्या हो सकता है आपको ये पता नहीं, तो इट्स वेरी, आई फील दैट इट्स वेरी सेफ टू स्कोर एज मच मार्क्स एज पॉसिबल इन द रिटर्न एग्जाम। सो मेरे टारगेट था कि यस अराउंड 500, if I can score around 500 from my written exam, so it will be very helpful कि interview में उतना जोर देने की जरूरत नहीं है, तो हाँ मैंने किया था, तो आप भी कर सकते हैं, ये help कर सकता है आपको। आपने first time में ISS crack कर लिया, तो जो beginner है, जो अभी मतलब आपकी video देख के सोचते हैं कि हाँ मैं भी ISS के लिए prepare करूंगी या करूंगा, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कहाँ से शुरू करें और कैसे, मतलब एज ए बिगिनर कहाँ से शुरू करना चाहिए? इसके लिए मैं बोलूंगी कि आप अगर अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो अभी से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, लाइक आपको डेली मतलब इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका खुद का भी एक पढ़ाई होगा, तो आप एक काम कर लीजिए कि आप मतलब जो सिलेबस है उसका, लाइक जो स्टैट पेपर 1, पेपर 2 ऐसा जो होता है उसका एमसीक्यू आप जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कि अभी जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आपको टाइम देख के नहीं करना पड़ेगा, टाइम बाउंड कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स ये वगैरह आप देख सकते हैं, न्यूज पेपर डेली पढ़ सकते हैं, कि ये आपको मतलब एक बेस क्रिएट कर देगा, कि आपके फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा, तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और जब आपको मतलब आपका जब ये काम वगैरह मतलब ये ग्रेजुएशन का पढ़ाई ये सब खत्म हो जाए, तो आप रेगुलरली इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, और ये बात बोलूंगी कि आप लिखना पहले से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, तो उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है कि आपको कवर करना पड़ता है, तो मैं पहले से ही बोलूंगी कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपको हेल्प करेगा कि आप एग्जाम हॉल में उतना ज्यादा आंसर्स कर सकते, तो यस आई वुड से दैट ओनली। एंड हाँ, वन थिंग दैट इज नेवर लूज होप, कि आपको मतलब नहीं हो रहा है, थक गए, ऐसा मत होइए, अगर एक दिन नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन आप आदत मत छोड़िए और जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। आपकी जूनियर और फ्यूचर आईएएस एस्पिरेंट के लिए आपका एडवाइस क्या होगा? मैं अपने जूनियर को बस यही बोलूंगी कि आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और ये एग्जाम इतना टफ नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, बस इसमें क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन चाहिए, आप अपने शेड्यूल को ऐसे रखिए कि एक दिन में आप एटलीस्ट 3 टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, ऐसे आप अपने शेड्यूल को रखिए कि लाइक सुबह कुछ टॉपिक, दोपहर के कुछ टॉपिक देख लीजिए, तो ऐसे डिसिप्लिन में आप चलिए, तो ये हो सकता है, और अपने आप पे भरोसा रखिए,
ये हो जाएगा, मतलब आप कर सकते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं 2 साल बाद हम दोबारा आपसे बात करेंगे लाइव एज एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और मुझे भी अच्छा लगा ये इंटरेक्शन करके। अगर ये हेल्प कर सके फ्यूचर एस्पिरेंट्स को तो मुझे बहुत खुशी होती। थैंक यू हृदय। थैंक यू।